बिग बॉस के बाद अचानक से ही दीपिका और श्रीसंत की बातचीत बंद हो गई और श्री दीपिका के फैंस इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर दोनों ने बात करना बंद क्यों कर दिया, दोनों का झगड़ा हुआ किस वजह से। बता दें कि अब जाकर फाइनली दीपिका ने अपने और श्री के रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। दीपिका ने कुछ भी साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने कहा है कि वो लोग जो घर के अंदर दीपिका जीतना डिजर्व करती है ऐसा कहा करते थे, घर के बाहर आने के बाद उनको अचानक से न जाने क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं, दीपिका तो जीत के लायक ही नहीं थी। दीपिका ने कहा कि इस तरीके के लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर मैंने तय किया कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी में रहूंगी ही नहीं। वेल, दीपिका की ये बात साफ साफ श्रीसंत की ओर इशारा करती है। बताते चले कि अपने इंटरव्यू में आगे बात करते हुए दीपिका ने कहा कि मैंने शो इसलिए जीता क्योंकि मैंने शो में खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की, मैं जो थी मैं वही रही, मैं जैसा बर्ताव अपने घर पर करती हूँ वैसा बर्ताव मैंने बिग बॉस के घर के अंदर भी किया, ना मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की ना अपने आप को संभालने की, हालांकि मुझे लोगों ने फेक कहा लेकिन मैं तब भी वही रही जो मैं हूँ। ये कहते हुए दीपिका कक्कर ने बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स को दी सलाह, लेकिन दीपिका का ये कहना कि जो लोग घर के बाहर आकर 360 डिग्री की तरह बदल गए उन लोगों की जिंदगी में मुझे रहना ही नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अपना ओपिनियन। फाइनल कार्ड एंटरटेनमेंट डेस्क।